हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबीना गौसिया किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ये देखिए काबली चना जो हमने रात में ही भिगा करके रख लिए थे, ये अच्छी तरीके से भीग गए हैं। और मैं इसमें क्या क्या डालने जा रही हूँ वो आप देख लीजिए। हमने टमाटर को बारीक पीस लिया है, ये हमने ले लिया है थोड़ा रेड पाउडर, रेड चिल्ली, ये धनिया पाउडर, ये हमने लिया है प्याज को पेस्ट बना लिया है। इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। इसमें मैंने तीन ये छोटी इलायची, तीन से चार लौंग ले ली हूँ। इसमें मैं लास्ट में डालूंगी ये चाय की पत्ती खोला करके, और गार्निश के लिए ये धनिया पत्ती, ये हरी मिर्ची, ये अदरक। अब मैं फटाफट से बनाने जा रही हूँ, आप देखिए। अब मैं गैस जलाने जा रही हूँ और इस पर मैं रखती हूँ कुकर। कुकर को अच्छा से गर्म होने देंगे। अब मैं ये देखिए मेरा कुकर गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, तीन से चार चम्मच। ये देखिए मैं अभी प्याज का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। और मैं इसमें ये धनिया और मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुना गया है। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी दो से तीन मिनट के लिए भूनेंगे डाल के। ये देखिए अब मैं इसमें नमक डालने जा रही हूँ स्वाद के अनुसार, दो चम्मच मैं डाल रही हूँ। ये देखिए अब मैं गरम मसाला इसमें डालने जा रही हूँ, डाल के अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए हमारे मसाले में कितना अच्छा कलर आया भुनने के बाद, देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसमें मैं काबली चना डाल देती हूँ। डाल के अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा पानी मिक्स कर देती हूँ। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए जब तक मेरा चना तैयार हो रहा है, जब तक मैं ये एक पैन गरम करके उसमें मैं थोड़ा पानी डालती हूँ। ये देखिए दो कप पानी, इसमें मैं डालूंगी ये चाय की पत्ती, थोड़ा सा चाय की पत्ती। ये डालने से चने में कलर अच्छा आएगा और रेस्टोरेंट स्टाइल होगी। ये देखिए हमारी चाय की पत्ती अच्छे तरीके से खोल गई है। अब मैं इसको चने में डालने जा रही हूँ। ये देखिए हमने चाय के पानी को चने में डाल लिए। मैं कुकर को बंद करने जा रही हूँ, चार से पांच सीटी लगने तक। कुकर जब तक अच्छे से ये चना गल जाता है, जब तक मैं इसको चार से पांच सीटी लगाती हूँ। अब मैं कुकर को खोलने जा रही हूँ, ये देखिए। और मैं इसको, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया चने में। और मैं इसको अब तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा चना कितने अच्छे तरीके से ये गल गया है।
अब मैं इसको गार्निश करने जा रही हूँ। प्याले में एक उझूल लेती हूँ। अब मैं इस पर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती गार्निश कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हरा मिर्चा को यहाँ पर लगा दिया है और अब ये हमारा काबुली चना रेडी है। देखिए ये मेरा काबुली चना एकदम तैयार हो गया है और अब आप लोग भी इसको अपने घर पर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।